हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशराय की क्लास। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर प्रतिरोध। इससे पहले हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उससे पहले बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और उससे पहले फ्री हैंड टूल्स और उससे पहले सेफ्टी प्रिकॉशन इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। पहला चैप्टर पढ़े, सेकंड चैप्टर फ्री हैंड टूल्स और थर्ड चैप्टर पढ़े हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और फोर्थ चैप्टर हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो भी हैं ट्रेनीज वो देखेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर जो अभी रेजिस्टेंस है वो आपको ये क्या बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट से होगा, ठीक है ना। इस चैप्टर का नाम जो होगा सो पैसिव कंपोनेंट होगा और पैसिव कंपोनेंट के अंतर्गत ही आते हैं रेजिस्टेंस, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ठीक है। उस पैसिव कंपोनेंट को हम तीन भागों में डिवाइड कर दिए हैं, जो इस चैप्टर का नाम दे दिए रजिस्टर, नेक्स्ट चैप्टर मेरा होगा कैपेसिटर और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा इंडक्टर। तो यानी वही पैसिव कंपोनेंट होगा एक पूरे चैप्टर और हम इसको अलग अलग कर दिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करानी है, ठीक है ना। तो आइए रजिस्टर देखते हैं। तो रजिस्टर हम इससे पहले भी हम बताए हैं रेजिस्टेंस क्या है। जो हमारा विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है ना वायर के थ्रू, धारा का प्रवाह हो रहा है, धारा यानी आवेशों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह, उसमें बाधा उत्पन्न करना वही प्रतिरोध कहलाता है। जैसे हम लोग सड़क पे चल रहे हैं, हाई स्पीड में जा रहे हैं, 40, 50, 60, 70 के स्पीड में जा रहे हैं, एक ब्रेकर आ गया, गाड़ी को स्लो करना होता है क्योंकि ब्रेकर पे अगर स्लो नहीं करेंगे तो फिर हम वहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना है, ठीक है। तो वो क्या है, ब्रेकर है, गाड़ी को स्लो करना ही होता है, गाड़ी स्लो होना ही होना है। तो यानी उसको हम कह सकते हैं प्रतिरोध, गाड़ी के स्पीड में बाधा डाला। तो यहाँ प्रतिरोध भी धारा जो है विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को प्रवाह में बाधा डाले, ठीक, बाधा का काम किया तो वही प्रतिरोध कहलाता है। तो प्रतिरोध के बारे में हम अच्छे से समझेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल परिपथ में कई सारे कंपोनेंट यूज करते हैं, उस कंपोनेंट के बारे में जान लेते हैं। तो वो कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट यानी अवयव, ठीक है ना। तो परिपथों में आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाने वाले घटक को, अवयव को, घटक जो होता है कोई जो भी कंपोनेंट उस परिपथ का अवयव यानी कंपोनेंट कहलाता है। जैसे रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, डायोड हो गया, ये सब जितना भी है ये सब कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। प्रत्येक अवयव की स्वयं की एक विशिष्टता होती है, हर पर अवयव का अपना अपना कुछ न कुछ विशेषता है। जैसे रजिस्टर बाधा डालने का काम करती है, कैपेसिटर चार्ज होके एक पावर को मतलब वोल्टेज को कांस्टेंट सप्लाई देने का काम करती है, ठीक है ना। डायोड एज ए स्विचिंग डिवाइस होता है कि नहीं। ट्रांजिस्टर, ये सब सबका अपना अपना विशिष्टता है, ठीक है ना, जिनके आधार पर उन्हें परिपथों में समायोजित किया जाता है। जहाँ पे जिस कंपोनेंट का यूज होगा वहीं पे उस कंपोनेंट का प्रयोग करेंगे, जहाँ बाधा डालने का काम होगा वहाँ पे रजिस्टर का यूज करेंगे ना कि कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे, जहाँ एज ए स्विचिंग यानी रेक्टिफाइंग रेक्टिफायर में यूज करना है तो वहाँ पे कैपेसिटर का यूज करेंगे ना कि वहाँ पे रजिस्टेंस और वहाँ पे डायोड का यूज करेंगे ना कि वहाँ पे रजिस्टर या फिर कैपेसिटर का, ठीक है। विभिन्न परिपथों में प्रयुक्त होने वाले अवयवों को उनके प्रकृति के अनुसार दो भागों में बांटा गया है, एक होता है एक्टिव कंपोनेंट और दूसरा होता है पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट को निष्क्रिय अवयव कहते हैं, एक्टिव कंपोनेंट को सक्रिय अवयव कहते हैं। चलिए पैसिव कंपोनेंट क्या होता है, तो पैसिव कंपोनेंट होता है
इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो अवयव सिग्नल के वोल्टेज अथवा शक्ति का प्रवर्धन नहीं कर सकते वह निष्क्रिय अवयव कहलाते हैं। ठीक है ना, यानी वे अवयव जो सिग्नल प्रोसेसिंग में कार्य नहीं करते हैं इनके वो पैसिव कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे ये जो है हमारा जैसे में आता है प्रतिरोध, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सिग्नल प्रोसेसिंग में कार्य में नहीं आते हैं। ठीक है ना, उसमें आता है ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह, जो आगे हम इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या होता है सिग्नल प्रोसेसिंग। ठीक है ना, यानी इनके प्रचालन के लिए ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि पैसिव कंपोनेंट के अंतर्गत आता है प्रतिरोध, कैपेसिटर और इंडक्टर। और ये तीनों अलग अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, प्रतिरोध, कैपेसिटर और इंडक्टर। नेक्स्ट होता है एक्टिव कंपोनेंट, यानी एक्टिव कंपोनेंट क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ, यहीं पे हम लिख देते हैं। ठीक है ना, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ये नेक्स्ट हो गया सेकेंड नंबर एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो अवयव, ठीक है ना, जो अवयव सिग्नल के वोल्टेज अथवा शक्ति का प्रवर्धन कर सकते हैं वह क्या कहलाते हैं, एक्टिव सक्रिय अवयव कहलाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा सक्रिय अवयव। ठीक है, यानी जो वे अवयव जो सिग्नल प्रोसेसिंग में कार्य करते हैं, ठीक है ना, वह सक्रिय अवयव कहलाते हैं। इनके प्रचालन के लिए ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है, इसमें क्या हो जाएगा, होती है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, डायोड, ट्रांजिस्टर इत्यादि, इसमें हो जाएगा डायोड, ट्रांजिस्टर इत्यादि। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट। ठीक है ना, यानी सेमीकंडक्टर से जो बना होता है ना वो होता है एक्टिव कंपोनेंट, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब जितना भी है सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, ये होता है एक्टिव कंपोनेंट, सेमीकंडक्टर युक्त, अर्धचालक युक्त। ठीक है, नेक्स्ट प्रतिरोधक, रजिस्टर। रजिस्टर जो होता है सो प्रत्येक पदार्थ का गुण होता है। ठीक है ना, प्रत्येक पदार्थ होता है, प्रत्येक पदार्थ स्वभावतः विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है। हर एक पदार्थ, जितना भी पदार्थ है, सब विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह का विरोध करता है। या फिर हम ले ले बल्ब का जो टंगस्टन है, या फिर हीटर का नाइक्रोम है, या फिर कॉपर वायर है, या फिर एल्युमिनियम वायर है, या फिर लोहा वायर है, और जो कुचालक पदार्थ है वो तो बिल्कुल विरोध करता ही है। जो सुचालक पदार्थ है उसका भी अपना प्रतिरोध होता है। जो प्रीवियस चैप्टर में हम प्रतिरोध हम निकालना हम बताए थे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी इक्वल्स टू आई आर कंबाइंड था, इसमें भी वो उसी चैप्टर का था, अलग से हम तोड़े हैं इसीलिए ना, नहीं तो उसी में प्रतिरोध निकालना हम बताए थे। ठीक है ना, जैसे बल्ब का पावर दिया हुआ है 100 वाटेज का, उसका पावर दे दिया है सप्लाई वोल्टेज 220। ठीक है, लोड करंट हम निकाल सकते हैं,
प्रतिरोध उसका हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसमें भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, हर एक पदार्थ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह का विरोध करता है। तभी तो हम इससे पहले हम बताए थे कि नाइक्रोम से जब विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह दिया गया तो उसमें क्या हुआ कि वो भी बाधा डाला, बीच में इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ वो हीट उत्सर्जित करने लगा, ठीक है ना। बल्ब का फिलामेंट प्रकाश उत्सर्जित करने लगा। जब तक प्रतिरोध नहीं है तब तक वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है, प्रतिरोध है तभी तो वो प्रकाश उत्सर्जित किया, ऊष्मा उत्सर्जित किया, ठीक है ना। वो प्रतिरोध के गुण के कारण बस, ठीक है। तो यहाँ प्रतिरोधक जो है प्रत्येक पदार्थ स्वभावतः विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना। यानी वह पदार्थ जो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का गुण प्रदर्शित करता है प्रतिरोधक कहलाता है। जो पदार्थ प्रतिरोध का गुण दर्शाएगा वही प्रतिरोधक कहलाएगा, और ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं जो प्रतिरोध नहीं दर्शाएगा। प्रत्येक पदार्थ प्रतिरोध दर्शाता ही दर्शाता है, और तो प्रत्येक पदार्थ प्रतिरोधक होगा ही होगा, ठीक है ना। अब आते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध जिस पदार्थ में प्रतिरोध होगा उस पदार्थ को प्रतिरोधक पदार्थ कहते हैं, और वो प्रतिरोध एक गुण हो गया, ठीक है ना। दोनों का डिफरेंस जानकारी ले लेना है कि प्रतिरोधक और प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं में से प्रवाहित होने वाली जो भी पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है ना। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं में से प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। इसको R से प्रदर्शित करते हैं, इसको R से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक ओम होता है इस तरह से, ठीक है। प्रतिरोध का प्रतीक जो होता है सो कई प्रकार का होता है। जनरली हम लोग इस तरह का जानते हैं, त्रिभुजाकार ऊपर जाता है, त्रिभुजाकार नीचे आता है ना। ट्रेपेजॉइडल इस तरह से आता है, तो ये रेजिस्टेंस का प्रतीक सिंबल होता है, ये भी होता है इसका सिंबल, ठीक है ना। और ऐसा भी होता है प्रवर्ती प्रतिरोधक का सिंबल इस तरह का होता है, इसमें एरो का यानी प्रवर्ती वेरिएबल रजिस्टर का, ठीक है ना। ये दोनों कांस्टेंट रजिस्टर का है। जब अभी हम नेक्स्ट हम बताएंगे टाइप्स ऑफ रजिस्टर, तो उसमें कई प्रकार के रजिस्टर आते हैं, तो उसका सिंबल भी हम बताएंगे, तो उसमें सब सिंबल आ जाएंगे। इसमें त्रुटि क्या करते हैं ध्यान देना है, इस तरह का स्पीड से हम रजिस्टेंस का सिंबॉलिक दर्शाते हैं, तो ऐसे करके जैसे जलेबी ने बनाते हैं, तो ऐसे करके ऐसे स्पीड से लेके चल जाते हैं, ये गलत है, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस का सिंबल नहीं है, नहीं ये है ऐसे करके, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। तो इस पे विशेष ध्यान देना है, इस पे विशेष ध्यान देना है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रतिरोध का आकार जो होता है सो साइज होता है शक्ति पर निर्भर करता है, न कि प्रतिरोध पर होता है। रेजिस्टेंस कैसा दिखता है हम बता देते हैं, लीजिए देखिए, ये जो है हमारे पास रेजिस्टेंस का छल्ला जो है ना, इस तरह का छल्ला मिलता है गुच्छा, ये रेजिस्टेंस है। इसका जो मोटाई जो होता है, अब ये तो सेम ओम का है इसलिए, लेकिन इसमें भी अगर 10,000 20,000 30,000 ओम का हो जाए ना, तो भी इसकी जो मोटाई होगी वही होगी, कलर डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन इसका जो मोटाई होगा सेम होगा। ये मोटाई कब चेंज होगा, जब इसका वाटेज शक्ति ज़्यादा करेंगे, तो ये कितना 0.2 वाटेज का रेजिस्टेंस है, ठीक है। वही 1 वाटेज 3 वाटेज 10 वाटेज का रेजिस्टेंस लेंगे तो बहुत बड़ा और मोटा साइज का हो जाएगा, लगभग इसके बराबरी का होगा, और थोड़ा सा लंबाई ज़्यादा होगा वो 5-5 वाटेज का भी रेजिस्टेंस आता है, प्रतिरोध आता है, ठीक है ना। इंसुलेटर भी तो एक प्रतिरोध है ना, है
वो कितना बड़ा मोटर तगड़ा होता है, तो वहाँ पे हाई शक्ति की ज़रूरत होती है जो इलेक्ट्रिकल पावर हाउस में दिखता है इंसुलेटर, ठीक है। ये होता है कैपेसिटर, जो इससे भी पहले वीडियो में हम बताए हैं इस तरह का कैपेसिटर होता है। और ये होता है रेजिस्टेंस, देखिए कैमरा के सामने, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस होता है जो कि 0.2 वाटेज का है। और ये है कैपेसिटर, देखिए ये कैपेसिटर है ना, ये माइनस है। और इधर इस पे क्या क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, यहाँ पे 25 वोल्ट है, 1000 माइक्रोफेराड का है, ठीक है ना, जो कैपेसिटेंस चैप्टर में हम बताएंगे। इस तरह से रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस को मेजर करने का तरीका भी हम बता देते हैं। ये हमारा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर में क्या हम पढ़ाए हैं, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, ठीक है। ओम में अब कितना रेजिस्टेंस होगा इस पे लेके जाएंगे, 200 ओम है, 2 किलो ओम यानी 2000 ओम, 20 किलो ओम 20000 ओम, इस तरह से जहाँ तक है 200 एम है ना, यहाँ तक रेजिस्टेंस। तो पॉइंटर को हम लेके चले आएंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको ऑन करके, इसका बैटरी में भी डिस्चार्ज है, ठीक है। हम सेकेंड मल्टीमीटर लेके बता दे रहे हैं, चलिए, क्योंकि प्रतीक इसीलिए याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। ये कितना ओम का है, तो 200 ओम, 200 ओम 2K ओम। और यहाँ पे पॉइंटर, इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रोब्स, और इसको काला भाग वाले को बोलते हैं नेगेटिव प्रोब्स, ठीक है ना। और इस दोनों प्रोब्स को हम इसके दोनों टर्मिनल पे टच कराएंगे, तब यहाँ पे दोनों अपने यहाँ पे मान बताएगा रेजिस्टेंस का मान, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दोनों का रेजिस्टेंस का मान हम बता रहे हैं फाइंड करके, एक सेकेंड, यहाँ देखिए ये दोनों को हम आपस में टच किए, यहाँ पे प्रतिरोध का अपना मान बता रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम मेजर करते हैं इसका, और प्रतिरोध का जो आकार होता है, साइज होता है, इसके शक्ति पे डिपेंड करता है। जैसे ही शक्ति बढ़ाएंगे, उसका मोटाई क्षेत्रफल, उसका मोटाई थिकनेस इंक्रीज कर जाएगा। ये जो हम बताएं वो 0.02 वाटेज का है, ठीक है ना। 1 वाटेज का ज़्यादा होता है, 2 वाटेज का ज़्यादा होता है, 3 वाटेज का ज़्यादा होता है। जैसे जैसे वाटेज बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा, वैसे ही प्रतिरोध का साइज बढ़ते जाता है। चलिए कुछ इलेक्ट्रिकल टर्म्स हैं, जिसे इलेक्ट्रिक नेटवर्क, क्या होता है इलेक्ट्रिक नेटवर्क। हमारे सर्किट में जो भी, जैसे लाइट जलाना है, वो भी एक सर्किट कंप्लीट होता है तभी लाइट जलती है। लाइट जलाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, एक वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत होती है, वायर की ज़रूरत होती है, एक लाइट की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट लग गया, एक लाइट लग गया, एक वायर लग गया, ठीक है, और वोल्टेज सोर्स हो गया। तो ये यही एक सर्किट होता है, वही इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है, समझे। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक नेटवर्क, एक कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक एलिमेंट, डिफरेंट इलेक्ट्रिक एलिमेंट होता है, जैसे वायर हो गया, बल्ब हो गया, है ना। तो डिफरेंट, जितना भी डिफरेंट इलेक्ट्रिक एलिमेंट है उसका कम्बिनेशन होना चाहिए, कनेक्टेड इन एनी मैनर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क, ठीक है। या फिर जो भी सर्किट
हम बना रहे हैं या कंप्यूटर सिस्टम ही ऑन ऑफ कर रहे हैं, उसी को ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ तक रन कराना है, तो उसके अंतर्गत जितना भी डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रिक एलिमेंट यूज हो रहा है वो सारा कम्बिनेशन होना चाहिए, वही इलेक्ट्रिक नेटवर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पैसिव नेटवर्क। पैसिव नेटवर्क होता है दोज नेटवर्क हु हैव नो सोर्स ऑफ ईएमएफ, जिसका कोई सोर्स ईएमएफ से ना हो, ठीक है ना, वही पैसिव नेटवर्क कहलाता है। और एक्टिव नेटवर्क जिसका सोर्स ईएमएफ हो। दोज नेटवर्क्स हु हैव वन या मोर देन वन सोर्सेस ऑफ ईएमएफ इज कॉल्ड एक्टिव नेटवर्क्स। अब आते हैं प्रतिरोधक के कुछ कुछ कारक। चालक पदार्थ का प्रतिरोध किन किन कारक से प्रभावित होता है, ठीक है ना, प्रतिरोध जो है सो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, पदार्थ की चालक में जो प्रतिरोध होता है वो किस किस कारकों से प्रभावित होता है। तो पहला पॉइंट है पदार्थ की लंबाई पे। जैसे जैसे पदार्थ की लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध उसका बढ़ते जाएगा, चालकता कम होते जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता कम होगा। ठीक है, तो पदार्थ की जो लंबाई है बढ़ती जाएगी, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समानुपाती L यानी लेंथ। जब ये लेंथ बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, R फॉर रेजिस्टेंस, L फॉर लेंथ, ठीक है ना। ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा जब DC यानी बैटरी से जब हम लोग TV चलाते थे तो उसमें अपन लोग क्या करते थे कि लॉन्ग वायर नहीं यूज किया करते थे, छोटा वायर, छोटा लेंथ, जिससे क्या होता है बैटरी पे कम असर पड़ता है, नहीं तो क्या होता है कि प्रतिरोध की मान बढ़ जाती है और चालकता घट जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है पदार्थ की मोटाई पर निर्भर करता है, ज़्यादा मोटा वायर भी नहीं यूज करना है, अगर मेरा लो वोल्टेज लो एम्पियर है तो वहाँ पे ज़्यादा अगर मोटा वायर यूज करेंगे तो वो भी प्रतिरोध का एक कारक होता है, ठीक है ना। तो मोटा वायर ज़्यादा मोटा वायर लेने से प्रतिरोध घटता है, बढ़ता नहीं है, ठीक है ना। या फिर पदार्थ के कटाक क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल वही मोटाई, जितना ज़्यादा मोटाई होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, ठीक है ना, इन्वर्सली होता है ना, इन्वर्सली, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, और इसका होता है समानुपाती, यानी पदार्थ की मोटाई जितना बड़ा होगा उतना ही चालकता जो है सो अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, प्रतिरोध का मान मतलब चालकता अच्छा होगा और प्रतिरोध का मान कम होगा। अगर मोटाई कम होगा तो चालकता प्रतिरोध का मान भी प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था इसी बेस पे इसरो में, जो स्टैंडर्ड वाइड गेज नंबर 18 दे दिया गया, 28 दे दिया गया, कुछ इसी तरह से 36 दे दिया गया, 4 दे दिया गया, किस वायर गेज नंबर से चालकता अच्छा चालकता होगा, या फिर किस वायर गेज नंबर में प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, ठीक है ना। तो जहाँ पे मोटाई ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, वहाँ से क्या होगा कि प्रतिरोध का मान कम होगा, चालकता का मान ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मिला के क्या बनता है, R इक्वल्स टू रो L अपन A। रो होता है चालक का प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता इसके बाद हम बताएंगे, ठीक है ना। तो ये समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को मिलाने से क्या बनता है, रो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो इंटू एल अपन ए, ठीक है।
यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के घटने से यानी तार की मोटाई कम होने से उस चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, बढ़ता है और मोटाई बढ़ने से मतलब मोटाई घटने से प्रतिरोध बढ़ जाता है और मोटाई बढ़ने से प्रतिरोध का मान घट जाता है, ठीक है ना। क्षेत्रफल के घटने से उस चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है और बढ़ने से कौन चीज़ बढ़ने से, मोटाई बढ़ने से कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घट जाता है, ठीक है। या नेक्स्ट है कारक जो चाल ये प्रतिरोध जो होता है सो तापमान पर भी निर्भर करता है, यानी तापमान जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तापमान ये प्रतिरोध का मान घटता है, वो भी किसमें, चालक पदार्थ में। अगर अर्धचालक हो तो उसमें टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस का मान उसमें कम होते जाता है, यानी चालकता बढ़ते जाती है, ठीक है। और चालक पदार्थ में अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है तो साथ में रेजिस्टेंस का मान भी इंक्रीज होते जाती है, उसमें प्रतिरोध का मान बढ़ते जाता है। जैसे चालक पदार्थ होता है एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, सोना चांदी लोहा, ये सब जितने भी हैं चालक पदार्थ है, इसमें टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो फिर इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका प्रतिरोध भी इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। अगर यही तो वही सेमीकंडक्टर में देखेंगे, अर्धचालक पदार्थ में देखेंगे, अर्धचालक पदार्थ होता है सिलिकॉन जर्मेनियम, अगर उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो प्रतिरोध का मान घट जाता है, चालकता बढ़ जाती है। इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि मोबाइल फोन हो या फिर हमारे कंप्यूटर हो, ठंड के दिनों में अगर उसे ऑन करते हैं तो थोड़ा सा लेट लगता है, डिले होता है, जल्द ऑन नहीं होता है, ऑन होने में थोड़ा सा समय लगता है। क्यों? क्योंकि जब ये पावर सप्लाई देते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां बनती है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनती है, उसमें पावर सप्लाई जाती है, पावर सप्लाई देने के बाद सेमीकंडक्टर मटेरियल में हीट जनरेट होता है, हीट जब ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका प्रतिरोध का मान घट जाता है, यानी चालकता का मान बढ़ जाती है, तब जाके हमारा कंप्यूटर फोन हो या फिर मोबाइल फोन हो वो ऑन होती है। अक्सर ये क्वेश्चन किया जाता है कि ठंड के दिनों में हमारा कंप्यूटर ऑन होने में समय क्यों लगता है, मोबाइल फोन ऑन होने में समय क्यों लगता है, या फिर आपको ऑपरेट करने में भी, ऑपरेट जब करेंगे ठंड के दिनों में मॉर्निंग टाइम में तो उसमें भी थोड़ा सा स्लो काम करने लगता है, यही वजह है। और वही अगर कंडक्टर मटेरियल है तो उसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस का मान भी इंक्रीज होने लगता है, यानी प्रतिरोध का मान इंक्रीज होता है यानी चालकता घट जाती है, यानी दोनों का अपोजिट होता है ना। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, किस में, चालक में, और टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस का, किस में, सेमीकंडक्टर में। और जो इंसुलेटर होता है उसमें तो कोई प्रभाव होता ही नहीं है, ठीक है ना। उसमें आगे हम कंडक्टर सीबी और वैलेंस बैंड पढ़ाएंगे तो उसमें मुक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में जो उपस्थित होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स वो कैसे कंडक्शन बैंड में जंप करती है उसके बारे में बताएंगे जब इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है ना। तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों रेजिस्टेंस इसमें इन्वर्सली होता है, इसमें डायरेक्टली होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है पदार्थ के किस्म पर निर्भर करती है, पदार्थ के किस्म पर निर्भर करती है, कैसे कहेंगे कि किस्म पर निर्भर करती है, चांदी है, चांदी का प्रतिरोध कम होता है एज कंपेयर टू कॉपर एल्युमिनियम ये सब के कंपेयर में। उसके बाद आती है कॉपर, कॉपर के बाद आती है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आती है लोहा, ठीक है ना। तो ये सब प्रतिरोध मतलब पदार्थ के किस्म पे भी निर्भर करती है, ठीक है, यानी अलग अलग धातुओं के तार का प्रतिरोध अलग अलग होती है। यानी कौन कौन सा पढ़ लिए हैं, पदार्थ जो चालक ये प्रतिरोध का किन किन कारकों पर निर्भर करती है, पदार्थ के किस पे निर्भर करती है, सोना चांदी लोहा एल्युमिनियम सबका अलग अलग प्रतिरोध होता है,
तापमान पर निर्भर करती है। तापमान इंक्रीज होगा तो क्या होगा, चालक में रेजिस्टेंस का मान भी इंक्रीज होगा, सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस का मान घटेगा, इंसुलेटर में कोई प्रभावित नहीं होगा। उसके बाद कटाक्ष क्षेत्रफल, अगर मोटाई बढ़ती है तो रेजिस्टेंस का मान कम होता है, मोटाई अगर घटती है तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है। उसके बाद पदार्थ की लंबाई पर, अगर लंबाई इंक्रीज होती है तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, और लंबाई अगर कम होती है तो प्रतिरोध का मान कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो हम अभी पढ़े हैं, जो पदार्थ की लंबाई अगर बढ़ती है तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, टेम्परेचर अगर बढ़ती है तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, किसमें, चालक पदार्थ में। तो इसमें देखिए कि क्या होता है कि जब टेम्परेचर अगर इंक्रीज होती है पदार्थ में तो उसका क्या होगा कि लंबाई भी बढ़ती है ना, टेम्परेचर देने से लंबाई बढ़ेगी, तापमान बढ़ने पर पदार्थ की लंबाई बढ़ती है, और पदार्थ की लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, पदार्थ का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन जैसे कार्बन सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, कार्बन में तापमान बढ़ाएंगे तो कार्बन की लंबाई तो बढ़ेगी लेकिन प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि कार्बन का ताप गुणांक जो होता है सो ऋणात्मक होता है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि ठीक है, तापमान अगर बढ़ाने से चालक पदार्थ में क्या होता है कि लंबाई बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान, क्योंकि उसकी तापमान बढ़ाने से उसमें लंबाई भी बढ़ती है। अर्धचालक में भी तो वही होता है कि जब ये टेम्परेचर देंगे तो लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रतिरोध बढ़ नहीं रहा है और घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि इसका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, और यही वजह है कि कार्बन उग्रार जो ब्रूसेस में यूज करते हैं, कार्बन ब्रूसेस जो होती है मोटर्स में होती है, जनरेटर्स में होती है, तो उसमें क्या करते हैं, कार्बन ब्रूसेस जो कार्बन ब्रूसेस है, ब्रूस में कार्बन का यूज किया जाता है। ठीक है ना, यानी अब देखिए चलते हैं प्रतिरोध क्या है। ठीक है ना, प्रतिरोध यानी जैसे हम लोग चल रहे हैं, गाड़ी से चलते हैं, सड़क पे कहीं ना कहीं ब्रेकर मिलता है, बाधा पहुंचाती है, गाड़ी को स्लो करना पड़ता है, तो यह एक प्रकार का बाधा ही है, करंट प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना, यही प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का क्या जरूरत है, तो चलिए हम लोग अपने दैनिक लाइफ में जहाँ पे देखते हैं बाधा का क्या ज़रूरत है, ब्रेकर की क्या ज़रूरत है, उसी से हम समझते हैं कि प्रतिरोध की ज़रूरत क्या है हमारे लिए। ठीक है, ये हमारा एक सड़क है, सड़क पे ब्रेकर लगा होता है, गाड़ी चलते जाती है, यहाँ पे स्लो करना होता है। ठीक है ना, माना एक सड़क है, सड़क पर ब्रेकर होता है, सड़क पर कोई गाड़ी चलती है, ब्रेकर के पास गाड़ी रुकती है, यानी गाड़ी बाधित होकर स्लो हो जाती है, और ये ब्रेकर कहीं ना कहीं ज़रूरत के लिए ही लगाया जाता है। कहाँ कहाँ लगाया जाता है, अगर मेन रोड है उसके जस्ट पास में अगर स्कूल है, छोटे बच्चे का स्कूल है, या छोटे 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 बच्चे का अगर क्रॉसिंग का है, चल अगर वहाँ पे मतलब रास्ता हो, छोटे बच्चे का रास्ता हो या जो भी हो, वहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से ब्रेकर लगाया जाता है, स्कूल के बच्चे या बच्चे के चलने का जगह हो। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है यही ऐसे ही त्रिभुजाकार से ही चलते रहता है। ठीक ना, यानी ये विद्युत धारा भी जो है, विद्युत धारा में प्रतिरोध विद्युत की धारा को बाधित करने के लिए ही बाधित करती है, और ये भी कहीं ना कहीं विद्युत की धारा को कम करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो उसके बारे में जैसे फैन है, छोटा कोई लोड, छोटा लोड डिवाइस है, कोई भी है, उसके अकॉर्डिंग प्रतिरोध लगाते हैं। ठीक है ना, तो उसके बारे में भी हम अभी बता रहे हैं। प्रतिरोध
इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर में बाधा उत्पन्न करने वाले साधन को इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर में बाधा उत्पन्न करने वाले साधन को प्रतिरोध कहते हैं, यानी वही बाधा ही प्रतिरोध है। ठीक है, एक सर्किट में जिसमें अलग अलग तरह के लोड होते हैं, जैसे घर में पंखा लगा होता है, टीवी लगा होता है, बल्ब होता है, एसी होता है, सभी को अलग अलग करंट चाहिए। तो क्या हम ट्रांसफार्मर से सभी को अलग अलग करंट वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि यहीं पे उसके नियरेस्ट प्रतिरोध लगा लगा के उस तरह से हमको पावर सप्लाई देना है? ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि हर कंपोनेंट, हर लोड डिवाइस के पास प्रतिरोध की ज़रूरत होती है। जैसे हमें स्कूल, बच्चे की स्कूल के पास एक ब्रेकर की ज़रूरत होती है, उसी तरह हर लोड डिवाइस के पास हमें एक प्रतिरोध की ज़रूरत होती है। अलग अलग करंट के लिए ही रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है ना। प्रतिरोध सभी पदार्थों में पाया जाता है, जितने भी पदार्थ हैं सभी पदार्थों में प्रतिरोध पाया जाता है। सबसे कम प्रतिरोध जो होता है सो चांदी में होता है। कहने को चांदी में तो प्रतिरोध शून्य होता है, लेकिन एक्यूरेट शून्य नहीं होता है। ठीक ना, मतलब प्रतिरोध नगण रूप से माना गया है उसको, ठीक है ना, लेकिन कुछ ना कुछ रहता है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे हम अपने क्लास को विराम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर प्रतिरोधकता चलेंगे, समांतर श्रेणी क्रम चलेंगे, समूहन, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और उस पर काफ़ी क्वेश्चन भी डिस्कस कराना चालू करेंगे। ठीक है, इसके बाद के लेक्चर में मन लगेगा अच्छे से, क्योंकि ये तो बेसिक है सारा कुछ, यही प्रतिरोध क्या है, उसका कारक क्या है, यही सब बताए हैं। तो चलिए इसी के साथ विराम करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।